फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा, और वो भी गुड़ से बना हुआ सूजी का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्पेशल गुड़ वाला सूजी का हलवा। और ये हैं इंग्रेडिएंट्स, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन में लिया है 1 लीटर पानी। यहाँ मैंने बिल्कुल नाप के 1 लीटर पानी लिया है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ हम 1 कप यानी 1 ग्लास का, जो हमारा बड़ा साइज़ वाला ग्लास होता है, वो हमने नाप के लिया है। जितनी हमारी सूजी होगी उतना ही हमारा गुड़ होगा। तो इसको बस हम इसको पकने देंगे चाशनी को। चाशनी को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। बस चेक कर लेते हैं इसके अंदर कुछ गुड़ की डली वगैरह कुछ तो नहीं रह गई है। और गुड़ हमारा अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और चाशनी पक चुकी है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो ये चाशनी तो हो चुकी है तैयार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब भूनते हैं हम सूजी। उसके लिए मैंने ये पैन लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप घी। बस हम साथ ही में डालेंगे सूजी। सूजी और घी को एक साथ मिलाकर हम भूनेंगे। उससे भूनने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो हलवा होगा एकदम खिला खिला बनेगा। तो इसको जब तक ये हल्का सा कलर चेंज ना करते तब तक हमें भूनना है। जब आपकी सूजी ऑलमोस्ट भुनने के करीब होगी उसी टाइम आप ऐड करेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने किशमिश, पिस्ते और काजू ऐड किए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ 1-2 मिनट इसी तरह से भूनेंगे। और देखिए इसके अंदर घी भी निकलने लग गया है। तो इट मीन्स हमारी सूजी भुन चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। चले, सूजी भुन चुकी है हमारी। अब हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे करके अपनी चाशनी का पानी। तो ये लीजिए, मैंने पहले थोड़ा पानी डाला है। अब मैं धीरे धीरे सारा पानी इसमें ऐड कर दूंगी। और आँच मैंने अभी तेज़ रखी है। बस कुछ तरह चलाते जाएंगे और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है सूजी पानी को, तो इसलिए मैंने चाशनी ज़्यादा बनाई थी। थोड़ा और डालेंगे और बस हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। फिर कुछ मिनट के लिए हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने देंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो घी है वो ऊपर आ चुका है और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। बस को हल्का सा चलाएंगे। आपको जितना पतला चाहिए आप अपने हिसाब से रख लें। बस इस स्टेज पर मैं तो यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ क्योंकि बाद में हलवा एकदम ड्राई हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद। और आप देख सकते हैं हमारा दानेदार खिला खिला सूजी का हलवा हो चुका है तैयार। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिए अ सिंपल एंड क्लासिकल इंडियन स्वीट गुड़ का हलवा। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको गुड़ के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगली बार। अल्लाह हाफिज़।